न्यू लोग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। गाइस मैं आज आया हुआ हूँ मेरठ के सरधना में और आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ एक ऐसा चर्च जिसको बनवाया था एक मुस्लिम शासिका ने। तो क्या इसका इतिहास है, क्या डिटेल्स है, सब कुछ मैं इस व्लॉग वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। तो जल्दी से ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं बेहद ही ऐतिहासिक व्लॉग। मेरठ के सरधना में, अगर आप आने की बात करते हैं आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं और ऑटो करके भी आ सकते हैं। बेसिकली आपको जो है मेरठ बस स्टैंड पहुंचना होगा। मेरठ बस स्टैंड पहुंचने के बाद में वहां से आप ऑटो रिक्शा करके सरधना तक इजिली पहुंच सकते हैं बेसिकली, या फिर वहां से बस भी चलती है तो बस के द्वारा भी इजिली यहाँ तक आया जा सकता है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ चर्च के गेट पर और मैं आपको अंदर चलकर ये खूबसूरत चर्च दिखलाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये है ये मेन रोड यहाँ पर और ये है चर्च का मेन गेट। यहाँ से हम चलने वाले हैं अंदर की तरफ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये है चर्च का ये मेन एंट्री गेट। ये आप सामने से यहाँ से देख सकते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर रोमन कैथलिक चर्च, इसका एक ये बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से रोमन कैथलिक चर्च सरधना मेरठ मंडल। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ASI के द्वारा इस चर्च को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको इस तरफ दिखलाऊं तो आप देखेंगे कि ये चर्च जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहां पर इसका ये बोर्ड लगा हुआ और सामने की तरफ आप देखेंगे ये चर्च जो कि बेहद ही खूबसूरत और शानदार तरीके से बना हुआ है, ये आप यहां से देख सकते हैं। हम चल रहे हैं चर्च की तरफ। ये है वो मेन गेट जहां से हम आए थे और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर टिकट काउंटर बना हुआ है। पर पर्सन जो है 5 रुपीज का टिकट लगता है तो वो भी हम लेने वाले हैं और आगे हम चलेंगे। ये आप देख सकते हैं ये चर्च जो कि बेहद ही खूबसूरत ये चर्च ये बना हुआ है। यहाँ पर सामने की तरफ आप देखेंगे तो यीशु का एक यहाँ पर एक स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बेगम समरू के अगर इतिहास की बात की जाए तो बेगम समरू का जन्म अफगानिस्तान से आए हुए एक परिवार जो कि मेरठ में शिफ्ट हो गया था वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम था फरजाना। इतिहासकार बताते हैं कि उनकी परवरिश दिल्ली के कोठों में उनकी परवरिश हुई थी और वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी वॉल्टर रेनहार्ट के साथ में। वॉल्टर रेनहार्ट के बारे में अगर मैं आपको बतलाऊं, वॉल्टर रेनहार्ट ऑस्ट्रिया से आई हुई सेना के सदस्य थे और उस समय जैसा कि आपको पता है कि मुगल जो दौर था बड़े ही मतलब नाजुक दौर से गुजर रहा था क्योंकि जो छोटी छोटी जो रियासतें थी वो बगावत कर रही थी। तो उसी दौरान जो उस टाइम मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह शाह आलम ने उन्होंने क्या काम किया कि ऑस्ट्रेलिया यूरोप से एक सेना मंगवाई थी जिसमें ये वॉल्टर भी यहाँ साथ में आए थे। वॉल्टर क्योंकि उस टाइम जो फरजाना जो नृत्यकी थी जो कि डांस किया करती थी दिल्ली के कोठों में, तो वहाँ पर उनकी नज़र इन पर पड़ी तो वहाँ से इन्होंने इनसे शादी करने का फैसला कर लिया। साल 1765 में वॉल्टर रेनहार्ट सांबे से इनकी शादी हो जाती है जिनका एक उपनाम भी हुआ करता था समरू, और यहीं से इनका नाम हो जाता है बेगम समरू। फरजाना को वॉल्टर का साथ इतना पसंद आया कि वो उनके साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने लगी। दोनों आगरा रुहेलखंड भरतपुर और लखनऊ की जंग में साथ रहे। यही वो दौर था जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वॉल्टर को उत्तर प्रदेश के सरधना का जागीरदार घोषित कर दिया था। जागीरदारी मिलने के बाद बेगम समरू और उनके पति वॉल्टर सरधना में रियासत करने लगे। हालांकि
उनका साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 1778 में वोल्टर की डेथ हो जाती है। इसके बाद शाह आलम फरजाना को सरदना का जागीरदार बना देते हैं। जीवन के अंतिम दौर में फरजाना ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था और यहाँ से उनका नाम पड़ा जोहाना नेवोली सोमरे। आप देख सकते हैं इस कैथलिक चर्च को बेगम समरू ने 1822 में अपने पति की याद में बनवाया था, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत चर्च है। पास आप देखेंगे तो काफी ग्रीनरी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, काफी सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी क्योंकि इवनिंग का टाइम है और चर्च के बंद होने का टाइम हो गया है, तो काफी कम लोग अभी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बेगम समरू ने लगभग 38 साल सरदना की रियासत पर राज किया था और इस दौरान उनका रुतबा इतना जबरदस्त हुआ करता कि उनकी जो सेना थी, लगभग 3000 सिपाहियों की सेना उनको मिली हुई थी, जो कि मुगल्स को जब भी कहीं जरूरत होती थी तो वो मुगल्स की सहायता के लिए हर जगह पहुंच जाया करती। तो मुगल्स में इनका काफी अच्छा रुतबा बना हुआ था। तो मुगल बादशाह ने इनको, अगर आज की डेट में अगर आप भगीरथ पैलेस देखते हैं तो भगीरथ पैलेस जो मार्केट है वहां पर एक SBI बैंक पड़ता है, वहां पर इनके लिए एक महल बनाया गया था। तो जब ये दिल्ली जाया करती थी तो वहां पर आराम किया करती थी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये चर्च का, यहाँ से ये मेन एंट्री गेट शुरू होता है और यहाँ पर डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपको अरेबिक में भी देखने के लिए मिल जाएगी। मैं जूम करके आपको दिखला देता हूँ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इस व्लॉग में मैंने आपको दिखलाया ये ऐतिहासिक चर्च, हालांकि इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है, कैमरे के साथ में अंदर जाना अलाउड नहीं है, जैसा कि सभी धार्मिक स्थानों पे आजकल हो गया है, चाहे वो गुरुद्वारा साहिब हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कोई भी टेंपल हो, तो सभी ऐतिहासिक जगहों पर क्योंकि कैमरे के साथ जाना अलाउड नहीं होता, जैसा कि यहाँ पर भी इन लोगों ने अलाउड नहीं किया अंदर जाने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ एंड, होपफुली आपको आज का ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।